मुंबई के नोकन ट्रेन में आप सबका आज यहाँ पर स्वागत है। सभी आम जनता इंतजार कर रही कि कब नोकन ट्रेन से अपडेट आएगा और उन्हें कब नोकन ट्रेन में सफर करने की अनुमति मिलेगी। इसी बीच सभी मंत्रियों की तरफ से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपी जी का मानना है कि सभी आम जनता अपना जल्द से वैक्सीनेशन कराए, क्योंकि नोकन ट्रेन में सफर करने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य हो गया। बिना वैक्सीनेशन के नोकन ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं। लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति न मिलने के कारण सभी आम जनता को आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। तो सभी मंत्रियों ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन के अपने दोनों खुराक ले ली है, उन्हें लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति दे ही देनी चाहिए। इसी बीच बीएमसी कमिश्नर की तरफ से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही कि कोरोना वायरस के साथ साथ अब नई बीमारियां भी फैलते हुए देखने को मिली, जैसे कि नर्मदा हुआ और यहाँ पर तीसरी लहर का भी आशंका देखने को मिल रही है। अब पाबंदियाँ धीरे धीरे और सख्त की जाएंगी, तो सभी आम जनता को राहत देना एक साथ संभव नजर नहीं आ रहा। लेकिन सभी मंत्री और बीएमसी कमिश्नर की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आई है कि जिन लोगों ने अपने वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली, उन्हें जल्द ही लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति मिलेगी। हालांकि अभी अहम फैसला नहीं लिया गया है कि कब तक उन्हें लोकल ट्रेन में सफर करने की इजाज़त मिलेगी, लेकिन 20 जुलाई तक फैसला आ जाएगा कि आम जनता को लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति मिलेगी। तो सभी आम जनता अपना जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाए, क्योंकि लोकल ट्रेन में सफ़र करने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य हो गया। लोकल ट्रेन से कोई और भी अपडेट मुझे मिलेगा तो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।